हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयेश उमरे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट 16th लेक्चर ऑन जावा प्रोग्रामिंग। यहाँ हम डिस्कस करेंगे फोर लूप के बारे में। सो फोर लूप, यदि हम फोर लूप का यूज़ देखें, किसी कोड को आपको बार बार रिपीट करना, उसके लिए हम फोर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ओके, वो पर्सन चाहता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर उसका जो नेम है वो 10 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। तो नेम को 10 टाइम्स प्रिंट करने के लिए यहाँ पर फोर लूप जैसे स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंटेक्स हमारे पास है, यहाँ लिखा है फोर, ओके, देन हमको यहाँ पर 3 वैल्यूज़ को पुट करना पड़ता है। और जिस कोड को भी हमको रिपीट करवाना है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है जयेश, बट कितने टाइम प्रिंट करवाना है ये भी क्वेश्चन है। तो मुझे 10 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हमने इंटीजर आई इक्वल्स टू वन, वन से स्टार्ट किया, ठीक। आई कब तक चलना चाहिए? लेस एंड इक्वल टू 10, ओके, 10 टाइम तक चलना चाहिए। देन आई इक्वल्स टू वन पे चला, फिर 1 के बाद आई इक्वल्स टू 2 पे चलना चाहिए, देन आई इक्वल्स टू 3 पे चलना चाहिए एंड आई इक्वल्स टू 10 पे चलना चाहिए। यदि हम लोग देखें आई का इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, आई का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंक्रीमेंट। अगर आपको 2 से इंक्रीमेंट करना होता तो हम क्या यूज़ करते हैं? आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। 3 से इंक्रीमेंट करना होता तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 3। तो यदि मैं देखूँ आई इक्वल्स टू 1 पे चलेगा और आई इक्वल्स टू 10 पे ख़त्म हो जाएगा, डेट मीन्स जो नेम है जयेश वो कितने टाइम प्रिंट होगा? आई इक्वल्स टू 1 पे, आई इक्वल्स टू 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, टोटल 10 टाइम्स प्रिंट होगा। ये लॉजिक है फोर लूप को यूज़ करने के पीछे। जब आपको किसी कोड को बार बार रिपीट करना हो, उस कोड को फोर लूप के अंदर रखा जा सकता है। अब फोर लूप को यूज़ कैसे करते हैं, हम बेसिक प्रोग्रामिंग की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, उस क्लास को मैं नेम दे देता हूँ 16। क्लास की बॉडी, देन हम यहाँ पे पुट करेंगे मेन फंक्शन को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन स्ट्रिंग args। अब हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है? फोर लूप। तो फोर लूप का सिंटेक्स हमारे पास है, ओके, फोर लूप की बॉडी हमारे पास है, हमें फोर लूप के अंदर 3 वैल्यू को पुट करना है। 1 वैल्यू यहाँ पर आएगी, 2nd वैल्यू यहाँ पे आएगी, देन 3rd वैल्यू यहाँ पे आएगी, ओके। तभी हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा था, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, ठीक, देन आई शुड बी लेस एंड इक्वल टू 10, और आई का हमको इंक्रीमेंट करवाना है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब हमें यहाँ पे प्रिंट क्या करना है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, या मैंने नेम दे दिया जयेश, ठीक। अब मैं सिंपल इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, देन हम देखते हैं कि आउटपुट क्या दिखाई देगा। डी ड्राइव में सेव करेंगे जैसा मैं यूजुअल करता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया 16.java के नेम से। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, फिर डी ड्राइव में जाऊं, देन जावा सी 16.java। कोई एरर नहीं है, जावा 16। सो यदि मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर नेम प्रिंट हो रहा है जयेश 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 10 टाइम्स यहाँ पर जयेश प्रिंट हुआ है, ओके। जबकि अगर हम स्टेटमेंट देखें, मैं जयेश को ओनली एक ही स्टेटमेंट में लिखा है, फिर भी 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब थोड़ा हम चेंजेस करके देख लेते हैं। अब एन लेस एंड इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20। सिंपल हमको मालूम पड़ रहा है कितने टाइम यहाँ प्रिंट होने वाला है, 20 टाइम। मैं सेव कर देता हूँ, जावा सी 16.java, कंपाइल किया, जावा 16। अब जयेश नेम कितने टाइम्स आना चाहिए? 20 टाइम्स। यहाँ पे मैं काउंट नहीं करता हूँ, ये मान लेते कि 20 है, ओके। तो यहाँ पे कितनी बार आ गया जयेश? 20 टाइम आ गया। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखिए, हमने स्टार्ट कितने से किया था? 1 से स्टार्ट किया था। अब मैं इसको स्टार्टिंग चेंज कर देता हूँ, स्टार्टिंग में 15 से करता हूँ, ओके। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं।
अगेन मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी 16 डॉट जावा, जावा 16। अब यदि हम लोग देखें जेएस कितने टाइम्स प्रिंट हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। आगे 6 टाइम क्यों हुआ? सिंपल देखिए, एक बार प्रिंट हुआ था आई इक्वल टू 15 पे, देन अनदर टाइम आई इक्वल टू 16 पे, देन आई इक्वल टू 17 पे, देन आई इक्वल टू 18 पे, देन आई इक्वल टू 19 पे, देन आई इक्वल टू 20 पे। अगर हम काउंट करें तो कितने टाइम्स हो रहा है? 6 टाइम्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। दैट मीन्स आपको क्लियर तो ही आऊँगा कि फोर लूप हमें यूज़ कैसे करना है, ठीक। अब यदि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 20 से, और फिनिश भी कितने पे हो रहा है? 20 पे ही। डेट मीन्स कितनी बार प्रिंट होना चाहिए? ओनली 1 टाइम। सो जावा सी 16 डॉट जावा, जावा 16, सिर्फ 1 टाइम यहाँ पे जेएस प्रिंट हुआ। सो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि जब भी हम फोर लूप को स्टार्ट करते हैं तो ये हम पे डिपेंड करता है कि फोर लूप को हम किस वैल्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अगर हम इसको नेम दें तो ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन कहलाता है इनिशियलाइजेशन, मींस फोर लूप की स्टार्टिंग। यदि हम सिंपल वर्ड में बोले तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ फोर लूप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। और जो हमारे पास में आई लेस एंड इक्वल टू 20, ओके, इस प्लेस को हम बोलते हैं टेस्ट। और जहाँ पे हमने इंक्रीमेंट रखा है आई का 1 से, इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन। अब अगेन हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया आई की स्टार्टिंग हमने की 1 से, लेकिन इस बार मैं इंक्रीमेंट 1 से करने की प्लेस पे 5 से इंक्रीमेंट करता हूँ। अब कितने टाइम्स प्रिंट होगा हम देख लेते हैं। इसको मैंने सेव किया, स्टार्ट होगा 1 से, 20 तक चलना चाहिए, इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है? 5 से। सो जावा सी 16 डॉट जावा, जावा 16। अब यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जेएस प्रिंट हो रहा है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। फर्स्ट टाइम यदि कब प्रिंट हुआ होगा कैलकुलेट करके देखे तो, फर्स्ट टाइम आई इक्वल टू 1 पे प्रिंट हुआ, फिर 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो आई इक्वल टू 6 पे प्रिंट हुआ होगा, देन आई इक्वल टू 11 पे प्रिंट हुआ होगा, देन आई इक्वल टू 16 पे प्रिंट हुआ होगा, फिर आई इक्वल टू 21 आया होगा, पर 21 पे तो प्रिंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी है? लेस एंड इक्वल टू 20। डेट मीन्स जेएस कितने टाइम प्रिंट हुआ है यहाँ पे? 4 टाइम्स। ओके, अब हम इसमें कुछ और चेंजेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम चेंज करते हैं, हमने इंक्रीमेंट कितने से किया था? 5 से। अब मैं इसको एडिशन करने की जगह यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। ओके, आई इंटू 2, अभी ऐड हो रहा था, बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन की, डी ड्राइव में गए, जावा सी 16 डॉट जावा, जावा 16। सो यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर जेएस कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है? 1 2 3 4 5। सो हमने स्टार्ट कितने पे किया था? हमने स्टार्ट किया था आई इक्वल टू 1 पे। इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का, सो 1 इंटू 2, 2 पे प्रिंट हुआ होगा, देन 2 इंटू 2, 4 पे, देन 4 इंटू 2, 8 पे प्रिंट हुआ होगा, देन 8 इंटू 2, 16 पे प्रिंट हुआ होगा, देन 16 इंटू 2, 32। यहाँ पर तो प्रिंट हुआ ही नहीं होगा, बिकॉज कंडीशन क्या है? लेस एंड इक्वल टू 20। तो कितने टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी कितना है? 1 2 3 4 5। सो मेरा कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब हम इंक्रीमेंट करते हैं, ओके, तो आप चाहो तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, आप चाहो तो एडिशन कर सकते हो, चाहो तो सब्ट्रैक्शन कर लो, चाहो तो डिवीजन कर लो, मीन जो भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस ऑपरेशन को हम एक्सप्रेशन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सो यदि हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो फोर लूप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारे सामने रहता है। ओके, और फोर लूप की बॉडी के अंदर हम जो भी कोड हमको लिखना है वो कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। और फोर लूप के अंदर 3 पार्टीशन होते हैं। पहला पार्टीशन क्या बोलता है कि आपको फोर लूप को स्टार्ट कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन। सेकंड पार्टीशन ये बोलता है कि आपको फोर लूप को स्टॉप कैसे करना है, मींस कंडीशन। और थर्ड पार्टीशन ये बोलता है कि आपको फोर लूप को आगे कैसे बढ़ाना है, ओके, मींस लूपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन देना पड़ेगा,
एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है जो फॉर लूप को आगे बढ़ाता हो। मीन्स इस कोड को बार बार रिपीट करने वाला जो कोड है वो कहाँ पे हम लिखते हैं, इस प्लेस पे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या स्टार्ट की पोजीशन फिक्स है, क्या स्टॉप की पोजीशन फिक्स है, क्या लूपिंग की पोजीशन फिक्स है? तो एक्चुअली इसके पीछे आंसर क्या, हम प्रोग्राम के हेल्प से देखते हैं। सो अगेन हम प्रोग्राम के ऊपर आ गए हैं। अब यदि मैं देखूँ, मैंने स्टार्ट की कंडीशन यहाँ पे दी थी, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ऊपर की तरफ रख देता हूँ, ओके। और जो स्पेस थी स्टार्ट, उसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ठीक। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखता हूँ। हमने सेव किया, ओके। अब इस प्रोग्राम को रन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगी। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ जावा सी 16.java, कंपाइल हो गया जावा 16, कोई इशू नहीं, प्रोग्राम चल गया। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग का कोड, ओके, इसको हम फोर लूप के ऊपर भी पुट कर सकते हैं। अब बात आती इंक्रीमेंट के कोड की, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे फोर लूप के स्ट्रक्चर के अंदर रख देता हूँ। सेव किया, वापस हम गए कंपाइलर पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा सी 16.java। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ओके, हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए, ठीक। यहाँ पे सेमी कॉलन पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग के हर स्टेटमेंट में सेमी कॉलन लगाना पड़ता है एंड करने के लिए। जावा सी 16.java, देन जावा 16, अगेन कोड चल गया। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने यहाँ पर ये देखा कि जो भी फॉर लूप है, ओके, हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ये हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर है। जो स्टार्ट है हम स्टार्ट को ऊपर रख सकते हैं, ठीक, और हम एक्सप्रेशन जो भी है उसको नीचे पुट कर सकते हैं, मतलब फॉर लूप की बॉडी में कहीं पे भी। और जो स्टॉप वाली कंडीशन है इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये भी क्वेश्चन है, ठीक। ये भी हम करके देखते हैं कि ये वाली पोजीशन चेंज हो सकती है कि नहीं। प्रोग्राम को देखने के बाद आपको खुद को कॉन्क्लूजन लगाना है कि क्या स्टॉप वाली पोजीशन चेंज हो सकती है। सो हम प्रोग्राम को देखते हैं। सो जो स्टॉप है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ओके, और मैं इसको ऊपर पुट कर देता हूँ, ठीक। अब यदि मैं देखो, स्टार्ट स्टॉप एक्सप्रेशन तीनों पोजीशन खाली है। यहाँ पर सेव किया हमने, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, डी ड्राइव में गए, जावा सी 16.java। अब यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर एरर आ रहा है, आई लेस एंड इक्वल टू 20, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। कोई इशू नहीं, हम इसको आगे से यहाँ से चेंज करके देखते हैं। यहाँ से मैंने हटा दिया, इसको फोर लूप के अंदर पुट कर दिया, ओके। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जावा सी 16.java, अगेन हमको वही सेम एरर आ रहा है, आई इज लेस एंड इक्वल टू 20 इज नॉट अ स्टेटमेंट। सो इस केस में क्या करें, जब हमने स्टार्ट की पोजीशन को चेंज किया था तब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ओके। जब हमने एक्सप्रेशन को चेंज किया कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब हम स्टॉप की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तब मैं वापस क्या करता हूँ कि जो कंडीशन हमने रखी थी, ओके, इस कंडीशन को वापस प्रॉपर प्लेस पे पुट कर देता हूँ, ठीक। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें, आई लेस एंड इक्वल टू 20, इसका आउटपुट क्या आ रहा था ये भी हमको पता है। मैं इसको अगेन सेव करके चेक कर लेता हूँ कि आउटपुट बराबर आ रहा है कि नहीं। सॉरी, डी ड्राइव में जाना पड़ेगा पहले, डी में हमने प्रोग्राम रखा है, जावा सी 16.java देन जावा 16। देख प्रोग्राम प्रॉपरली चल रहा है, ओके, कोई इश्यू नहीं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कंडीशन को मैं चेंज कर देता हूँ, आई इक्वल टू हमने 20 कर दिया है, ठीक। अब चेंज करने पे क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ओके। जावा सी 16.java, कंपाइल हो गया जावा 16, प्रोग्राम आखिर आउटपुट क्यों नहीं दिखा हमको, इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम कंडीशन को देखें, ओके, तो कंडीशन यहाँ पे क्या बोल रही है कि आई इक्वल टू 20 होना चाहिए। आई की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो कंडीशन क्या स्टॉप करने के लिए होती है? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, कंडीशन, ओके। जब हमने फोर लूप को स्टार्ट किया, आई इक्वल टू 1 पे स्टार्ट किया, तो कम से कम एक बार तो फोर लूप को चलना था,
लेकिन फोर लूप एक बार भी नहीं चला। ओके, यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कोड यहाँ पर रखा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस कोड को यहाँ पर रख देता हूँ, इंटीजर आई इक्वल टू वन, ठीक। और जो एक्सप्रेशन है इसको भी मैं यहाँ से हटा के रख देता हूँ इस जगह पर। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ वापस। अब हम जाते हैं जावा सी 16.java। अब यदि हम लोग देखें, अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर हमने कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन पुट कर दिया है। अगेन मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैंने कहा जावा सी 16.java, कंपाइल हो गया जावा 16। देखिए एक बार भी यहाँ पर जेएस नेम प्रिंट नहीं हुआ है। डेट मीन्स यदि हम लोग देखें प्रोग्राम क्या बोल रहा है, प्रोग्राम ये बोल रहा है कि ये जो प्लेस है, जब भी हम इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो यूज़ होने से पहले वो कंडीशन से ज़रूर टेस्ट होगी। कंडीशन क्या बोलती है कि आई इक्वल टू 20 होना चाहिए तभी लूप चलेगा, और आई की वैल्यू कितनी है 1, डेट मीन्स यहाँ पे लूप चलेगा ही नहीं। और इसके पहले हमने क्या देखा था कि जब आई लेस एंड इक्वल टू 20 था उस समय लूप चल रहा था, क्यों? क्योंकि इसको टेस्ट किया गया था इस कंडीशन से, तब हमको मालूम पड़ा कि ये जो वैल्यू है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो लूप चल रहा था। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि लूप जब भी चलेगा कंडीशन को चेक करने के बाद ही चलेगा, अगर कंडीशन फेल होती है तो लूप चलेगा ही नहीं भले ही यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो। अगर मैं देखूँ यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है पर लूप नहीं चला। अब हम लोग क्या करते हैं कि आई की वैल्यू यहाँ से चेंज कर देते थे, मैं आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी करता हूँ 20। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, क्या चलेगा ये देख लेते हैं। जावा सी 16.java, जावा 16। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है, जेएस, डेट मीन्स हमारा प्रोग्राम चल गया। तो यहाँ पर ये बात तो ट्रू हो गई कि जब भी फोर लूप चलता है चलने से पहले कंडीशन को जरूर चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी फोर लूप चलेगा, ये हमको ध्यान रखना है। और मैं ये बार बार यहाँ पर क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाना नहीं सीखना है बल्कि हमको प्रोग्रामिंग को कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रिपेयर होना है। सो ये था फोर लूप। नाउ नेक्स्ट लेक्चर 17 में हम कंटिन्यू करेंगे फोर लूप को। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।